हे गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्नेक प्लांट्स पर बात करना चाहती हूँ। सेंसेवेरिया इसका बोटानिकल नेम है, मदर इन लॉ टंग प्लांट भी इसे कहते हैं। मेरे पास भी स्नेक प्लांट्स की कुछ वैरायटीज़ हैं जिसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैंने कुछ प्लांट अलग किए हैं, उनको नए प्लांट बनाए हैं एक ही प्लांट से। सेल्फ प्रोपोगेट होता है ये प्लांट, तो बहुत ईजी हो जाता है इसे लगाना और इसे बढ़ाना। स्नेक प्लांट को मैंने हमेशा जंगली तरीके से बढ़ते हुए देखा, लोगों के घरों की कंपाउंड वॉल में बाहर की तरफ। पर इसके इम्पोर्टेंस को जब आप समझेंगे तो आप घर के अंदर भी इस पौधे को जगह देंगे। ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। अभी अभी आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा कि नासा ने बताया है कि अगर आप घर के अंदर की एयर को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट को अपने घर में ज़रूर शामिल करें। बिल्कुल वो बात सही है, ये एयर को प्योरीफाई भी नहीं करते बल्कि आपके घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बना के रखते हैं। स्नेक प्लांट रात के वक्त भी ऑक्सीजन देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्लांट की कभी कोई केयर करनी ही नहीं पड़ती, बस आराम से रहता है। कम से कम पानी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और इसे घर के अंदर लगाना यानी एक घर का हिस्सा ग्रीनरी लुक से भर देने जैसा है। स्नेक प्लांट की कुछ वेराइटीज़ मैंने भी लाई है। मैंने अपने लगाए हुए सभी से स्नेक प्लांट्स को कटिंग के थ्रू ग्रो किया है। मुझे जहाँ भी इसकी वैरायटी दिखती थी मैं उसे वहाँ से ले आती थी और लगा देती थी। चलिए आपको मैं बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं। ये है स्नेक प्लांट की तंजानिया वैरायटी। इसकी खासियत ये है कि इसके जो लीव्स हैं बहुत हार्ड हैं, लाइक कार्डबोर्ड, बिल्कुल हार्ड है। इसकी लीफ में सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं। इसकी जो बाउंड्री है यानी कि किनारी, वो हल्की सी पिंकिश रेडिश टाइप की है। और इसका जो टेक्सचर है चिकना है। और इसके अंदर का जो वेरिएशन आप कलर का देख रहे हैं बहुत ही एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी जैसा है। इसे दो पत्तियों में लाई थी मैं और अब इसने चार प्लांट में डेवलपमेंट ले लिया है। प्लांट अभी छोटे हैं और साइड साइड से निकल रहे हैं। जैसे जैसे ये ग्रो होते जाएगा मेरा ये कंटेनर पूरा कैप्चर हो जाएगा। ये एक सिंगल लीफ एक सिंगल प्लांट है और इसका स्ट्रक्चर आप महसूस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्डी है। तंजानिया वैरायटी में फ्लावरिंग होती है बट बहुत लंबे समय के बाद। अच्छे तरीके से मैच्योर और डेवलप हो जाए ये प्लांट, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। स्नेक प्लांट की कुछ स्पीशीज़ में फ्लावरिंग होती है और कुछ में कुछ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। मतलब जिनको मैंने ग्रो किया है मुझे बस उनका आइडिया है। ये स्नेक प्लांट की जो वैरायटी है ये बहुत कॉमन है और लगभग आपको ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। रूबेस्टा ग्रीन, ये जो सिंपल स्नेक प्लांट है, और सिल्वर क्वीन, ये इनके नाम है। इसमें सिल्वर क्वीन में साइड में येलो कलर की बाउंड्री बनी हुई है, मार्जिन है, और रूबेस्टा ग्रीन प्लेन ग्रीन प्लांट है। ये दोनों लीफ की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। बस इसमें एक बात है कि अगर आप येलो कलर की सिल्वर क्वीन को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इसके मदर प्लांट के पास से नया प्लांट लगाना पड़ेगा। ये अपनी कटिंग से बिल्कुल इसी के जैसे वेरिएशंस में ग्रो नहीं होता। इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो प्लेन प्लांट ग्रो होगा। ये है तीसरी वैरायटी जो मेरे पास है, सिलेंड्रिका स्पेयर स्नेक प्लांट। गोल गोल पाइप जैसे इसकी लीव्स हैं और बिल्कुल इसी तरीके से ये लंबे लंबे बढ़ते रहते हैं। ये मदर प्लांट है। इसके पास से मैंने दो से तीन प्लांट नए रेडी किए हैं, सभी सेल्फ प्रोपोगेट हुए और मैंने इन्हें अलग कर लिया है। ये भी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं। इनके जो लीफ है ये इसी तरीके से गोल गोल रहती है, स्पेयर जैसी, इसीलिए इसे सिलेंड्रिका कहते हैं। गाइज, मैंने इसकी लीफ को अब तक प्रॉपोगेट नहीं किया क्योंकि ये सेल्फ प्रॉपोगेट हो गया, चार पौधे मेरे पास बन गए, तो मैंने अभी तक इसकी लीफ को कट करके प्रॉपोगेट नहीं किया। मैं जैसे ही उसे प्रॉपोगेट करूँगी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। वैसे तो स्नेक प्लांट की सभी जो वैरायटीज़ हैं वो सभी बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं, और अगर आप नहीं कटिंग से ग्रो करना चाहें तो इसके सेल्फ प्रोपोगेट प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी अगेन फोर्थ वैरायटी है और ये इसकी फिफ्थ वैरायटी है। ये दोनों लगभग सेम हैं, बस दोनों में कलर का डिफरेंस है। नीचे वाली वैरायटी जो है उसे बर्ड नेस्ट प्लांट कहते हैं और जो मेरे हाथ में है उसे गोल्ड स्टार कहते हैं, ब्लैक स्टार। दोनों की वैरायटी में स्पेशल फ़र्क सिर्फ रंग का है। खिलते हुए फूल की तरह ये पौधे दिखते हैं और आप सोचिए ऐसा फूल जो 12 महीने खिलता रहे, इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। इन्हें मैंने आज प्रोपोगेट किया, अलग किया।
एक मदर प्लांट से मुझे 7 नए पौधे मिले। ये दोनों प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं और मैं इन्हें तोड़कर अलग कर रही हूँ। ये अच्छी तरीके से डेवलप हो गए हैं, जिनकी रूट्स देखकर आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दो प्लांट रेडी कर लिए। ये दो प्लांट रेडी होने कैसे हैं जानते हैं आप? ये जो कंटेनर दिख रहे हैं, इसमें ये सारे पौधे थे और ये बीच वाला इनका मदर प्लांट था। इस मदर प्लांट को लगकर ये सभी ग्रो हो गए और मैंने अब इनके 1 से 7 नए पौधे बना लिए हैं। अब आप समझ सकते हैं ये सभी एक नए मदर प्लांट में डेवलप होंगे। आप मेरा कंटेनर देखिए, ये हैंडमेड सीमेंट का पॉट है और बिल्कुल छोटा सा है। इतने छोटी एरिया में अगर 7 प्लांट डेवलप हो गए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कम से कम स्पेस में भी इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए पॉटिंग मिक्स मैंने बहुत सिंपल ली है, कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ सॉइल यूज़ की थी। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेल्फ प्रोपगेट कैसे होते हैं। इस प्लांट को मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि मुझे इसे आपको दिखाना था। ये मदर प्लांट है, मैं जब इसे कट करके लाई थी तब ये छोटा था। धीरे धीरे प्लांट अब थोड़ा बड़ा होने लगा है और ये मदर प्लांट है और ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से मैं इसे काट कर लाई थी रोड साइड से। और यहाँ से जो नया साइड दिख रहा है आपको, ये इसका नया प्लांट रेडी हो रहा है। ये एक नया प्लांट है जो अब अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये दूसरा, ये तीसरा और एक साइड से और छोटा शूट है। कुल मिलाकर 4 नए पौधे बन रहे हैं। एक मदर प्लांट और 4 नए पौधे प्रोसेस में है। ये देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर का छोटा सा शूट है। बस इस तरीके से स्नेक प्लांट अपने आप को डेवलप करते हैं। लीफ की कटिंग को ग्रो करने के मुकाबले इसका सेल्फ प्रोपोगेशन मेथड से जो आप प्लांट ग्रो करते हैं वो ज़्यादा स्पीड से होता है और आप जल्दी नए पौधे बना सकते हैं। जैसे ही ये ग्रो होगा, मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी और अलग लगा दूँगी, वो भी फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये तरीका है इसे ग्रो करने का एक। अब दूसरा तरीका, यानी कि लीफ की कटिंग, मैंने उस कटिंग से भी इन्हें ग्रो किया है। और इस तरीके से आप छोटे छोटे नए पौधे बना सकते हैं। जब हम स्नेक प्लांट की कटिंग को कट करते हैं तो आपको देखना ये ज़रूरी होता है कि आप कटिंग को काट लीजिए 4 से 5 इंच के छोटे टुकड़ों में। और कट करने के बाद आप 2 से 3 दिनों तक अपनी कटिंग को शेड में रहने दीजिए ताकि उनकी जो बाउंड्री है वो सूख जाए। एक बार बाउंड्री सूख जाएगी तो फिर आप इसे लगा सकते हैं। मैंने कुछ कटिंग्स ग्रो की है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आप मेरे हाथ में जो कटिंग देख रहे हैं, ये सिल्वर क्वीन यानी कि येलो कलर की बाउंड्री वाली प्लांट की लीफ है। मुझे लगा था कि इस कटिंग को ग्रो करने के बाद इसी के जैसा येलो कलर की बाउंड्री वाला छोटा सा प्लांट मुझे मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये तो प्लेन ग्रीन प्लांट के रूप में डेवलप हो रहा है। यानी अगर आपको लगाना है येलो कलर का सिल्वर क्वीन प्लांट तो आपको इसके प्लांट के अंदर से ही नया प्लांट कट करके अलग करना पड़ेगा। सिर्फ यही कटिंग नहीं, इसके अलावा भी मैंने जो भी कटिंग लगाई उन सभी में प्लेन ग्रीन कलर के प्लांट डेवलप हुए। ये जो लीफ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सूख गई है, ये इसी लीफ से मैंने इनको ग्रो किया था। स्नेक प्लांट की जब आप लीफ लगाते हैं तो 15 दिनों के अंदर उनमें रूट्स आ जाती हैं और रूट्स आने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर इसके नए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इजीली होता है, इसके पीछे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सब कुछ प्लांट खुद ब खुद कर लेता है। मैंने जो स्नेक प्लांट्स अपने कटिंग्स लगाई हैं उनको मैंने गार्डन की सॉइल में लगाया है, जिस सॉइल को मैं ज़्यादातर अपने प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने कंपोस्ट ऐड नहीं किया, सैंड ऐड नहीं की, ये सिर्फ सॉइल है जिस कंडीशन में मेरे गार्डन में रहती है। और मैंने इसमें पानी भी दिया तो 15 से 20 दिनों के डिस्टेंस में। स्नेक प्लांट ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करते, अगर आपने इन्हें ओवर वाटर किया तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और ख़राब होकर डेड हो जाएंगे। मेरे सभी के सभी कटिंग्स में छोटे छोटे नए प्लांट अब बन गए हैं। गाइस, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मुझे कि आप स्नेक प्लांट को कैसे ग्रो करें, कैसे केयर करें, मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। आप इसे सनलाइट में नहीं रखेंगे तभी भी ये सर्वाइव करेगा, सनलाइट में रखेंगे तभी भी ये सर्वाइव करेगा। पानी देते वक्त ध्यान रखना ज़रूरी ये होता है कि बहुत कम पानी दें। घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधों में तो 15 से 20 दिनों का अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तब भी चलेगा, ये ग्रो होते रहेंगे। इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब भी ये पौधा डेड नहीं होता। मेरे सभी छोटी छोटी कटिंग्स अब अच्छी तरीके से डेवलप और ग्रो हो गई हैं। स्नेक प्लांट की दोनों मेथड आपको मैंने बताई कि ये लीफ से कटिंग से और
सेल्फ प्रोपोगेशन से कैसे डेवलप होता है। इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, घर के अंदर तो आपने इन्हें लगाना ही चाहिए। अपने घर के मेंबर्स की हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिए। गाइज, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके, लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगेन नई इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत जल्द अगेन कुछ नए वीडियोज़ के साथ मैं वापस लौटूंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।